नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त तो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के बढ़िया बीर मोहल्ले में गणेश प्रतिमा की आड़ में गुड्डू नाम का व्यक्ति अवैध रूप से दुकान बना रहा, जिसका नक्शा पास नहीं है, जिस पर मोहल्ले वालों का कहना है कि अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुल्तानपुर में हलियापुर पुलिस टीम ने गैंगस्टर में वांछित 15,000 के इनामी राजा सिंह उर्फ लखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को आरोपी की काफी अरसे से तलाश थी। सुल्तानपुर में चिकित्सक हत्याकांड में सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भारद्वाज के साथ कक्कू पांडे भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार को हर संभव सरकार से मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने अर्पित सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली के पूरे पहलवान चौराहे पर संजय गांधी अस्पताल की बहाली को लेकर गांव वालों ने नारेबाजी करते हुए सांसद स्मृति ईरानी का पुतला फूंका, तो वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल के गांव के जहर अली के पुरवा, साहबगढ़ शुक्लन पुरवा और थाना कमरौली के पांडे का पुरवा गांव में आबकारी टीम ने दबिश दी। दबिश के दौरान विभाग ने 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 300 किलोग्राम रहन मौके पर नष्ट किया। अमेठी में थाना जामू पुलिस ने खुदकुशी का प्रयास करने पर शानू उर्फ आरिफ को जामू थाना के वारिशगंज मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अयोध्या में थाना कोतवाली नगर के वजीरगंज के वटिया की रहने वाली पीड़िता नीलम ने अपने पट्टीदार और दो सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मैं जब सामान लेकर वापस आ रही थी तो देखा मेरी छोटी बेटी के वो मोहल्ले के रहने वाले पट्टीदार घर में घुसकर मारते हुए अश्लील हरकत कर रहे थे। बहराइच के मोहल्ला गुदड़ी किला में ज्वाला देवी मंदिर में गणेश पूजा स्थल पर आरती के बाद घरों को वापस लौट रही लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे शहदों का आयोजकों ने विरोध किया तो शहदों ने हमला कर दिया। हमले में एक किशोर का सर फट गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वसीरगंज पुलिस ने घायल को कोतवाली भेजा। जौनपुर में थाना महाराजगंज पुलिस ने अजय पासी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजा, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। रामपुर की पुलिस लाइन में तैनात वेद सिपाही की मंडी समिति के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।